गलवान में कर्नल संतोष बाबू समेत बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शहीद हुए। पंजाब रेजिमेंट के 3 जवानों की शहादत हुई। 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 जवान देश पर कुर्बान हुए। 12 बिहार रेजिमेंट का भी एक जवान अपनी जान देश पर कुर्बान कर गया। 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी का एक जवान शहीद हुआ। शहीद होने वालों में 81 फील्ड रेजिमेंट का भी एक जवान था। भारतीय सेना के इस रेजिमेंट का गठन आजादी से पहले अंग्रेजों ने किया था। 1 नवंबर 1945 को बनाई गई बिहार रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में भी पराक्रमी योगदान दिया था और पाकिस्तान की सेना से पोस्ट छीन ली थी। बिहार रेजिमेंट में कुल 20 बटालियन हैं, 4 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़ी हुई हैं। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। जो जज्बा बेटे और उसकी रेजिमेंट ने दिखाया उतना ही बड़ा परिवार का कलेजा भी है। बिहार रेजिमेंट के बाद अब आप 3 मीडियम रेजिमेंट को भी पहचान लीजिए। ये भारतीय सेना की तोप रेजिमेंट है, भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी ताकत। गलवान की लड़ाई में भारतीय सेना ने चीन के उस भ्रम को भी तोड़ दिया जिसमें चीन एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दम भरता है। चीन को ये समझ आ चुका है कि कोई देश हथियारों के बल पर ताकतवर नहीं हो सकता। युद्ध में जीत उसी की होती है जो जोश, जज्बे और देश के स्वाभिमान के लिए लड़ता है। ये बात भी साबित हो गई है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर भी भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बात गलवान घाटी में बहुत साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गलवान में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में पंजाब रेजिमेंट के योद्धाओं ने भी बहादुरी की मिसाल पेश की है। गलवान में शहीद हुए 4 शूरवीर पंजाब के थे। ये पंजाब की सरजमी है। शहीदों की धरती है। गलवान में जब चीन अपनी नापाक चाल को कामयाब करने की सोच रहा था तो देश के वीर जवानों ने उनके इन इरादों को जमींदोज कर दिया। भारत को कामयाबी तो मिली लेकिन इसकी कीमत थी जवानों की कुर्बानी और इन्हीं जवानों में ये 4 शहीद युवा पंजाब के थे। 15 जून की रात जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था तब भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लेटून के जवान गलवान घाटी में चीन को आधुनिक युद्ध इतिहास का सबसे कड़ा सबक सिखा रहे थे। ये युद्ध 3 हिस्सों में लड़ा गया जिसमें भारत के सैनिकों का सामना चीन के उन नए सैनिकों से हुआ जिन्हें यहां पहले कभी नहीं देखा गया था। तीसरे राउंड की लड़ाई में 16 बिहार रेजिमेंट के साथ इस रेजिमेंट के घातक प्लाटून 3 मीडियम रेजिमेंट और तीसरी पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। 3 मीडियम रेजिमेंट सैनिकों ने एक खास जगह पर जहां पर चीन का कर्नल खड़ा था वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार गिराया। सेना की 3 मीडियम रेजिमेंट भारतीय सेना के तोपखानों की एक रेजिमेंट है और पहाड़ों में तोपखानों की बहुत अहमियत है। 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिक लंबी दूरी से अचूक निशाना लगाने में माहिर होते हैं। प्रतिशोध था भारतीय सैनिकों का वो बहुत भयानक था और वो भी तब जब वो निहत्थे थे उन्होंने एक भी राउंड फायर नहीं किया।
आखिरी वक्त तक इतने गुस्से के बाद भी उन्होंने उस अनुशासन को नहीं तोड़ा जो भारत देश ने चीन के साथ किया है, और वो ये है कि एलएसी पर फायरिंग नहीं हुई, एक सिंगल राउंड बुलेट फायर नहीं की गई इस गुस्से और इस प्रतिशोध की भावना के बीच में। भारत के सैनिकों ने भागते हुए चीन के कई सैनिकों का पीछा भी किया, जिससे ये अपुष्ट खबरें भी आई कि पीछा करने में ही कुछ भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में आ गए। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।